हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार कश्यप यूट्यूब के माध्यम से आज हम लोग जिस औषधीय वनस्पति की पहचान कर रहे हैं उसका नाम है कर्मा। इस वनस्पति का नाम कर्मा है, बहुत सारे नामों से इसको जाना जाता है, जैसे कि कर्मा, करम, कोली कदम्बा या हल्दू के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है मित्रों, इस वनस्पति को अंग्रेजी में हल्दू बोलते हैं और इस वनस्पति का जो बॉटनिकल नेम है वो है हल्दीना कॉर्डिफोलिया या फिर एडिना कॉर्डिफोलिया के नाम से इसको जाना जाता है। और इस वनस्पति में जो प्रमुख रूप से जो तत्व हैं वो हैं जैसे कि एल्केलाइड्स, टैनिन, ऑर्सोलिक एसिड। और इस वनस्पति का जो औषधीय प्रयोग करते हैं वो किन किन रोगों में करते हैं वो मैं इसकी जानकारी बता रहा हूँ। जैसे कि इसका औषधीय प्रयोग करने के लिए रोग, पेट का फोड़ा रोग, अल्सर जैसे रोगों में इसका औषधीय प्रयोग करते हैं। उसके बाद साधारण सी ज्वर बुखार रोगों में इसका औषधि प्रयोग करते हैं। वमन रोग, उल्टी के जो रोग होते हैं उन रोगों में भी इसका औषधि प्रयोग किया जाता है। कफ बलगम जैसे रोग में भी इसका औषधि प्रयोग लोग करते हैं। डायरिया संबंधित रोगों में भी इसका औषधि प्रयोग किया जाता है। ठीक है मित्रों, और यह एक एंटीसेप्टिक के रूप में इसके छाल का उपयोग बहुत ही ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, घाव जख्म बुखार या फिर साधारण बुखार उखार में इसका औषधि प्रयोग लोग करते हैं। दांत खाट चरम रोग जैसे संबंधित रोगों में भी इसका औषधि प्रयोग किया जाता है। पाचन रोग के लिए यह एक रामबाण औषधि है। जॉन्डिस पीलिया जैसे जो रोग होते हैं उन रोगों के लिए भी यह रामबाण औषधि का काम करता है मित्रों। पेट दर्द में भी इसका औषधि प्रयोग किया जाता है। यह एक दिव्य वनस्पति है। तो आज के विषय में हमारा था कर्मा, करम, कोली कदम्बा या हल्दू। तो मेरे चैनल के माध्यम से दिया हुआ जानकारी अगर आपको पसंद आवे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।